वैसे आपको जितना प्यार से समझाना था मैं समझा चुका हूँ। मेरे पति को आपने क्यों बोला? मेरा पति है, मेरे पति से कोई किसी का हक नहीं बनता मेरे अलावा। पहले भाभी भाई कहते थे सारा दिन वीडियो बनाते हैं और कैमरा लेके, तो वीडियो साबुत का लिए वीडियो तो इसके फोन में माधर भाई दिखाएगा ही ना। वीडियो सबूत नहीं, वीडियो साबुत। एकदम तेज तर्रार लोग होते हैं, एकदम छोटी सी बात पकड़ लेते हैं। ओए लखनी। हाँ जी, कैसे हो आप सर? वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी बात करनी थी, वो ये कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आजकल क्या क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने बहुत गंद मचाई हुई थी सपना को लेके, और अभी मैं रिसेंटली कुछ वीडियो देखी, कुछ इतने टुच्ची सोच वाले लोग हैं जिनको एक बहन भाई का रिश्ता कितना पवित्र होता है वो भी नहीं पता होता उनको हर चीज़ में, क्योंकि खुद के साथ एक्सपीरियंस शायद इतने खराब हो रहे होते हैं लोगों के कि उनको नहीं पता कि किस रिश्ते में इज्जत होती है, किस में क्या होता है। हर किसी को अपनी तरह समझना। हो सकता है तुमको कभी कोई अच्छा कोई भाई या कोई बहन ना मिली, उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में नहीं होते भाई। आपकी जैसी उसको अपने तक रखो। हर किसी पे अपनी सोच थोपना बंद करो, और हमारे कल्चर के नाम पे कुछ भी कहना बंद करो। आप प्रवक्ता नहीं हो, और आप हमें कल्चर मत पढ़ाओ। आप जो भी होंगी, अगर मैं आपसे दो सवाल कल्चर के ऊपर पूछ लूंगा तो आप नहीं कुछ बता पाओगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। वैसे आपको जितना प्यार से समझाना था मैं समझा चुका हूँ। अभी क्या है ना, आप जैसे मुंह तो नहीं लगना चाहिए, बट हाँ एक एक्शन जरूर लेना चाहिए। जो एक्शन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, आप तक शायद खबर पहुंच गई होगी या फिर खबर पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। तो कुछ लोगों ने व्यूज के लिए वीडियोज बनाना, किसी को गंद बोलना, किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाना, ना उस लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो जिसके दोनों हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो आज दोनों बच्चियों को पाल रही है, आप कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, ठीक है। बट अभी तक आपने उस वीडियो से इतना कमाया नहीं होगा जितना आप गवाने वाले हो, ठीक है। जिन केसेस में भागदौड़ करोगे ना, ये डॉलर्स जो आप कमाने की सोच रहे हो ना कि हरी पत्ती आएंगी मेरे घर में, हरी पत्तियां बहुत कुछ लेके जाएंगी अभी, आई विल मेक श्योर, ओके। बाकी तो मैं क्या ही बोलूं, जनता ने जवाब आपको दे दिया बहुत अच्छे से, बट यू कैरी ऑन। मुझे पता है अभी दो तीन दिन तो आप मेरी इस वीडियो का भी आप माइलेज उठाने की कोशिश करोगे कि देखो किसी बड़े यूट्यूबर ने ऐसा बोला, मेरे भी दो भाई हैं, पता नहीं क्या क्या बोलोगी। आप बोलो, यू आर फ्री। बट उसके बाद जो होगा, जो कि होना भी चाहिए, जो कि क्योंकि अगर आज मैंने नहीं कुछ बोला तो लोग कहेंगे कि लखन भाई आप सबको बोलते हो अपने लिए एक्शन लो, बट आपने खुद के लिए तो लिया ही नहीं जब आपके और आपकी बहन के लिए कुछ हुआ। तो ठीक है भाई, लखन भाई का बताना भी बनता है ना, तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। वो बहुत जल्दी जाएगा, तो वो बिल्कुल जाएगा। ख्याल रखना अपना। जय हिंद, आपसे तो बहुत जल्दी मिलूंगा मैं। ओके, तब आप व्लॉग को एंजॉय करो। इस व्लॉग में से बहुत सारी चीजें भाई, आज मम्मी के लिए मैंने क्या कुछ स्पेशल, अगर आप देखोगे, और पेरेंट्स को कभी कभी स्पेशल फील कराना चाहिए, बट जो मेरी कोशिश थी ना, इतना हिलेरियस एक कॉन्वो था मेरा बहादुर भाई का, रिक्की का, बम्मू का, कि आपको देख के बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप एंजॉय करो, व्लॉग को लाइक कर दो अभी से, और कमेंट में बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय, सॉरी, व्लॉग एंजॉय करो। सो हमारा खाना लग चुका है, इसमें क्या है, इसमें है सेवैयाँ। यार बचपन से ही ना मैं सेवैयाँ खाती हुई आ रही हूँ, लाइक मेरा पूरा बचपन सेवैयाँ में, मीठी सेवैयाँ, नमकीन सेवैयाँ जिनको, तो मेरी आधा बचपन यही निकला है, दूध वाली सेवैयाँ, उसमें खूब सारी चीनी डाल के खाना, नमकीन खाना। और जब ईद होती थी तो जितने भी हमारे नेबर्स थे वो भेजते थे, और वो क्या टेस्टी सेवैयाँ भेजते थे ईद पर वो लोग। आपको पसंद है सेवैयाँ? जवे बोलते हैं आपके उधर, खाओगे ना आप? Hi guys, welcome back to लखनीत व्लॉग्स। ये सुबह सुबह दोनों माँ बेटे नीचे बैठ के, वैसे तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या, नीचे बैठ के खाना खाते हो? हमें नीचे बैठ के अच्छा लगता है, बता दो। हाँ। अच्छा जी, काना नीतू की हर बात में हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ। है ना काना? हाँ। क्यों, काना को पता है राज किसका चलता है? हाँ। अच्छा है काना? हाँ। आज क्या खा रहे हो तुम? हाँ। रुको जरा, ये है साबूदाना। साबूदाना का वड़ा, वड़ा भी वो है, ये एयर फ्रायर। ओके, अच्छा लग रहा है काना? हाँ। अरे एक बच्चा तो देखा ही नहीं, एक बच्चा ऊपर है, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। कल का मेरा वादा अधूरा रह गया था, तो मम्मी वादा याद दिलाने यहीं पे आ गई हैं। चाय की तो मैं चाय बनाना पहले सीखूंगा, तब आपको बना के। चाय भी आती तुझे? आज मेरा चैलेंज है। अरे नहीं आती, पीनी आती है, पीनी आती है, बनाने नहीं आती, तो आज मैं नीतू से पहले सीखूंगा, फिर आपको बना के पिलाऊंगा। बढ़िया सी बनी, अदरक वदरक डाल के। अब आप लोग कुत्ते मार दी थी हैं? नहीं यार, अंदर भौंक रहे हैं ये हमारे। अच्छा। कुत्ता कोई नहीं मारेगा यहाँ पे, यहाँ सबको पता है कि अगर कुत्तों किसी ने हाथ भी लगाया तो हम लोग लड़ने पहुंच जाते हैं सीधा। हमारा नाम ही कुत्तों वाला रख रखा है इन्होंने पूरी सोसाइटी में। कुत्ते के घर वाला, हमारे का नाम तो कुत्ते के घर वाला हो गया। कुत्ते वाले लोग, अरे कुत्ते वाली मिली अब तो मैं। फ्रेंड्स, अभी एक टेंशन हो गई घर में, और टेंशन क्या हुई बताऊं आपको? दो दो कैमरा एक जैसे है, हमारा और पूनम दीदी का, है ना? तो काना को क्या टेंशन हो गई? कभी पूनम दीदी ले जा मैं हमारा, कभी अभी हमारा कैमरा ले जा मैं पूनम दीदी। हाँ। तो काना ने छुपा के हमारा कैमरा अलग रख दिया है ना, दोनों सेम सेम है। देखो जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ वो भी सेम है, और ये रखा पूनम दीदी का कैमरा। तो हम इसको अपने वाले को छुपा के रख देना। हाँ। भाई एक चीज है, काना के होते कोई हमारे घर में हमारा सामान इधर का उधर नहीं रख सकता। काना बहुत ध्यान रखता है सामान का, है ना काना? क्योंकि भाई बहुत महंगा सामान आता है ना। एक आता है 10 लाख का, और का कैमरा आता है 20 लाख। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे सच्चाई नहीं बताऊंगा, तेरे दिमाग में यही रहने दे, तू दबी रक्षा करेगा, ठीक है? समझ रहे हो ना आप, 10 लाख 20 लाख।
अंदर थे, इतनी चिल्लाने की आवाज आ रही है बाहर। भाई बहुत स्कैरी गेम था, मजा आया खेल के? बहुत मजा आया, शुरू में तो हम इतना डरे हमारी हार्ट बीट तेज हो रखी थी, सब कुछ ठीक से नहीं। पुनीत तू तो बाहर गया था भाई, चिल्लाने की आवाज आई पूरे घर में हमारे में। कैसा था नहीं तू? मेरे यहाँ पर अभी दर्द हो रहा है, रुक जाओ। कॉल कर रहा हूं मैं, क्यों उठा रहे हैं? बहुत चिल्ला रहे हैं, कॉल उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं घर में भाई। तो मौलते हैं कुछ बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे हो गए, बदमाश बच्चे हो गए, पापा को मारते हैं जो। मैं तो बात नहीं करूंगा ऐसे बच्चों से। अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है? देख ये देख, ये देख जो जो प्यार कर रहा है, प्यार हाथ पे। मत करो ये जरा, अब करेगा है? क्या कर रहा था तू? इसको रियलाइज हो गया है, अब बता भाई। ट्रीट लिया कहां गया भागता हुआ ट्रीट लेने? रुक जी, वैसे तुमसे बहुत प्यार करता है ना। एक बात सोचो, हां चलिए चलो भाई, गेम खेल रहे थे क्या? वहां मैं क्या कह रहा हूं ना, मेरे यहां पर बहुत इधर डर नहीं होता, वैसे हो गया। क्या चाहिए भाई ये? अच्छा तू तभी तू कैमरा लेके है? नीतू कह रही है कैमरा कह रहा, कैमरा चेक कर रहा हूं, तूने कैमरा ऑन रख रखा है? उन्हें यार क्या होगा भाई तेरा। अच्छा यही लेके जा रहे थे तुम अभी? फ्रेंड्स आज ना हमने तुषार के लिए एक सरप्राइज प्लान करा है, क्योंकि तुषार ना बहुत जल्दी यार आता है यहाँ पे, 7 बजे भी आ जाता है कई बार, और रात में जाने कोई टाइम ही नहीं है। मतलब उसको बोलते रहेंगे कि भाई अपने घर चला जा, बट जिद करता रहता है। तो आज हमने उसके लिए मसाज वाला बुक करा है जो कि यहाँ पे आने वाला है। तुषार को नहीं पता कि यार हमें अच्छा लगता है कि ना उनकी टेक केयर करो और उनको थोड़े थोड़े बीच में सरप्राइज देते रहो। तो गाइस आप देख रहे हो मेकअप में अपने तिरंगे के लिए कुछ, बट 15 अगस्त को बहुत दिन हो गए गए हुए। तो क्या हुआ, 15 अगस्त के दिन ही हम लोग वो करेंगे क्या? लेकिन सच में यार तुषार के लिए मुझे बड़ा कभी कभी लगता है कि उसको भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जैसे वो हमारे साथ रहता है, हमारी फैमिली की तरह। वैसे आमी मंजुली का ऊपर देख, पूनम ऊपर देख, मतलब इतना और। तो गाइस बिना मेकअप के पूनम ऐसी लगती है जैसा आप देख रहे हो, बिना मेकअप की पूनम है ये। तुषार को बोलेंगे मेरे लिए मेकअप वाला है। तो गाइस हमारे लिए मसाज वाले भैया आ चुके हैं, आज मैंने सोचा अपनी मसाज कराऊंगा बहुत टाइम बाद। तुषार जाके एक बार वहाँ, भाई जाके ना कैमरा लगा दे बिल्कुल सेटअप करके बढ़िया सा। क्या हो गया? फोन नहीं खुल रहा मेरा, फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा? अब इसको दिखाओ ना बिना मेकअप के, तो असली फेस तो यही है। इसने तो खोल दिया, ये नहीं खोल पाया। ये ज्यादा अच्छा नया वाला टेक्नोलॉजी है ना, बिना मेकअप के नहीं पहचान पा रहा है। बाप रे, किसी को पासकोड याद ना हो तो फिर तो गए। अभी एकदम अंदर से आवाज है, नीतू को गेमिंग सेटअप रोहित ऑन कर रहा है, पता कैसे माइक टेस्ट कर रहा है। रुक भाई एक बार दिखा दे, वैसे एक बार दिखा दे, बोलिए ऐसे। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो नहीं हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। सामने काना टैडी को घुमा रहा है नहीं, टैडी काना को घुमा रहा है। टैडी ज्यादा बड़ा है काना से, इसे कोई भी घुमा सकता है। यहाँ पर लग रहा है पूरा मसाज का सेटअप। भाई तेरे लिए मंगाया मैंने, तुझे मैं धोखे से लाया हूँ यहाँ, इसका कोई काम नहीं है, मसाज करा अपनी आज। अरे मजाक नहीं कर रहा, तेरे लिए ही मंगाया है, तेरा ही मसाज है। नीतू ने मुझे बोल रखा था बहुत दिन से, तू बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तेरे को रेस्ट नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, सही से मसाज करा फिर, ठीक है? मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है बाय, मजे करियो। देखा पुनीत भी था उसमें, पुनीत कैसा लगा सरप्राइज? बढ़िया हमने पुनीत को भी बोला, तू भी करे, बोला नहीं भैया मेरे वाला भी तुषार को कराओ भैया, दो बार तो मैं भीम की बॉडी मिलेगा। चलो भैया कोई लेदर की चप्पल है, जब भाई उल्टे हो ना तो पीछे से देना 3-4 फिर। मान जा पुनीत, परेशान मत कर उसको, आ जा। तो अभी गुची घूम के आया गाड़ी में, मुझे रिक्की भी घूमता हुआ दिख गया, स्कूटी पे घुमा रहा हूँ उन दोनों को। सुन तू गाड़ी में घुमा भी इन दोनों को, हाँ। और मैं उसको एक राउंड इसमें घुमा लेता हूँ ना। घूम लेगा यार कौन? हाँ हाँ मैं बिठा लूंगा अपने साथ। अरे भाई इन्हें मैं बिना पट्टे के दोनों ही, तो गाड़ी में तो लेके जाना है। पीछे से बैठा, क्या हुआ ये कैसे भोग रहा? देखियो भोग रहा साले आप, बेटा की चीज है। अरे जा जा जा, गुची सच में गाली ही बक रहा था वो ऑस्कर। आ जा बेटा, तू चेस पे स्पेस बाय। तो अब मैं जा रहा हूँ घर, मेरे को चाय बनानी सीखनी है, मम्मी के लिए बनानी है क्योंकि। यस बाबू कैसा लगा? मजा आ गया। सो गया था तू? हाँ। अच्छा मतलब फील आ रहा है, ठीक है। तो तेरे को जरूरत थी ना इसकी? हाँ। है ना, बोल नहीं रहा था बट ठीक है, अच्छा है। और अभी तुषार के पास एक मैसेज आया है हमारे किसी सब्सक्राइबर का, हमारे घर के पास ही शायद वो रहती है, उन्होंने बताया कि वहाँ उनके घर के सामने कोई ऑटो वाला ना किसी पप्पी के ऊपर ऑटो चढ़ा के भाग गया, वो चल नहीं पा रहा बेचारा। तो हम उसकी डिटेल निकाल रहे हैं, अगर अभी पॉसिबल हो तो हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे या फिर कुछ ना कुछ हेल्प पहुँचाएंगे। अभी किसी ने तुषार का मैसेज करा है कि नहीं अल्फा में किसी ने एक छोटे पप्पी के ऊपर ना ऑटो चला दिया, वो बेचारा चढ़ नहीं पा रहा। माँ का मतलब तुषार मैसेज आया, तुषार डिटेल निकाल रहा है उसकी, फिर चलते हैं वहाँ, ठीक कराता हूँ उसको मैं। क्या हुआ? बदतमीज लोग हैं यार। वैसे जानबूझ के नहीं चढ़ाया होगा, गलती से। पपी तो दिखते नहीं है ना, छोटे से बहुत होते हैं, वो नीचे भी घुस जाते हैं ना। हाँ मतलब कुछ नहीं कह सकते यार, मतलब हो भी सकता है नहीं भी। क्या हुआ बेटा? किसकी लड़ाई? अरे रे क्या घर में उदम बचा के रखते हो भाई, देखो देखते एकदम ऐसे हो जाता है, जब माँ को देख के ना बच्चे लड़ते शांत ऐसे हो जाएंगे, अब फिर लड़ेंगे अभी देखना थोड़ी देर में। भाई मेरे को ना चाय बनानी सिखाओ जरा, ठीक है? मेरे को मम्मी के लिए बनानी है आज खुद से। खाना तू पिएगा, मैं चाय बनाऊंगा तो? नहीं।
पीनी। क्यों क्यों? आपने बोला था मैं क्या बोला था मैंने? चाय नहीं पीनी। क्या पीना है? दूध। अगर मैं दूध बनाऊंगा तो दूध पी लेगा? है? वैसे मजा तब आएगा जब नीतू मुझे सिखाएगी, क्योंकि मैं नीतू वाले टेस्ट की चाय बना के मम्मी को पिलाऊंगा। नितारा, तेरी सासू माँ के लिए ना चाय बनानी मेरे को। चाय बनानी मुझे खुद नहीं आती। तूने एक दिन बनाई थी, बहुत टेस्टी। कैसी थी पूनम बहन? बहुत टेस्टी। तूने कब पी? बेटा कोई भी काम में अगर तुम अच्छे हो तो उसको करो ही मत, क्योंकि फिर बार बार करना पड़ता है। चलो, आज हमारे राजू भैया के बच्चे का बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। कुछ गिफ्ट दे दे नीतू। खोल दिया था क्या? नहीं भैया, ये पैक्ड है, ये ले जाना, ठीक है? तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी लेना है, फिर दूध लेना है, फिर नहीं पानी बॉयल हो जाएगा। हाँ। तो अदरक कूट के डालना है। अच्छा, भैया आप मत सिखाओ, मैं सिखाऊंगी। तो सिखाना फिर। सिखा रही हूं, देख रही हूं क्या दे सकते हैं। चॉकलेट डाल दे उसमें। अबे हाँ, मसाज हुई है। अच्छा, ये थोड़ा लग रहा है रिलैक्स। पूछो उससे, डिटेल पूछी उसके कुत्ते की, उसका एड्रेस नहीं, अपनी लोकेशन पता है उसको? हाँ, वो कह रही पीजी में रहते हैं तो हमें ले जाना, किसी को ले जा, कोई हो तो तू ले जा, कोई गाड़ी ले जा, उसको दिखवा ले। हाँ, डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक है? मुझे बता दो जब पहुंच जाए। आज का ना मैं नीतू से ही चाय बनवा लूंगा, तू देखता रही हो, ठीक है? तो मेरा सीक्रेट बताना दे उसको। बनानी नहीं आती ना, पर उसका वो आता है डालना, क्या उसमें तुझे आता है डालना? क्या क्या डालते हैं बताइयो? हमारे गाँव में तो होता है दूध, हाँ, चीनी, हाँ, पत्ती, हाँ। अरे वाह, और तो उसको गुनगुना किया। अच्छा, और तो वो बन गई। और तो वो बन गई। तुझे आता है चाय बनाना? तूने कैसे सीखी? जल्दी जल्दी मेरे पास जल्दी। आपको कब से आता है? मैंने गाँव से सीखी थी। किसने सिखाई थी आपको? मैं देखता था ना उसमें क्या क्या डालता है। मम्मी को देखते थे बनाते हुए। वाह यार, इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये रहा वो बेचारा पप्पी, उसके पैर वैर। भाई तू दिखा के आ, जो भी होगा सब कर लेंगे हम, ठीक है? ले जा तो भाई, कप तो सबसे बाद में लाना होता है। मैं यहाँ पर पानी लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि तुम पानी वाली चाय नहीं पीते। एक कप के लिए चाय में तुम्हें पूरा कप पानी डाल देना है। अदरक लेना है, जितना ज्यादा अदरक कूटा जाएगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अदरक, पानी में सबसे पहले अदरक, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। मैं ये डालना है चाय पत्ती, फिर डालना है चीनी। इसको अच्छे से बॉईल होने दो जब तक कि पानी ऊपर आ जाए, ब्लैक ब्लैक के फूल फूले ना हो जाए, बैलून टाइप। जैसे हो जाएंगे वैसे ही तुम्हें इसमें मिल्क ऐड कर देना। अरे तूने अभी से क्यों कर दिया? तुम्हें सिखा रही हूं, इतना टाइम कौन खड़ा देगा हमें। अब तुम्हें इसको अच्छे से पकाना है, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो तुम्हें खुद समझ जाएगा कि पक गई है। ठीक है, तो मैं यही बनाऊं? हाँ। तो देखा गाइस आपने, मैंने किस तरह लखन को चाय बनानी सिखाई। मुझे खुद नहीं आती सच बताऊं तो, ये बात लखन को और मम को पता चलेगी। तो वैसे तो मम को पता है कि मैं चाय नहीं बनाती, इवन लखन को भी पता है, क्योंकि ना तो मैं चाय पीती और ना ही मैं बनाती। खा लिया? नहीं यार, अभी 6 बजे खाऊंगी। 6 बजे ही खा लेना चाहिए। और मैदा खा रहे हो, आपको मना किया था ना खाने के लिए बाहर का, क्यों खाते हो इतना? मेरे पति को आपने क्यों बोला? मैंने नहीं बोला, मेरे पति ने पहले बोला। मेरे पति से कुछ मत मंगवाना नेक्स्ट टाइम। तेरा क्या? मेरा पति है, मेरे पति से किसी का हक नहीं बनता मेरे अलावा। तो तेरे पति हमें फोन क्यों करता है? वो तो कर सकते हैं। खा नहीं सकती हो? देख ऐसे ही होता है, सपोर्ट में खा सकती हो ना? खा सकती हो, खूब खाओ। डन डन, खूब खाओ। बाय। तुमने क्यों मंगाया? 5-5 मंगा दिए। लेकिन अरे एक दिन में थोड़ी खा जाएगी 5? तुम खुद तो डाइटिंग नहीं करते हो और हमेशा हेल्दी चीजें, मीठा मंगा दिया तुमने इतना सारा, हद होती है। मतलब अगर मैंने 5 मंगाए तो क्या वो 5 आज ही खा जाएंगी? ऐसे तो घर में एक काम करना, अगर घर में भाई इसका मतलब 6-7 किलो आटा होता तो क्या एक ही दिन में खा जाएगा इंसान? 5 इसलिए मंगाए कि एक आज खा लेंगे, एक कल खा लेंगी। हर चीज का यार, इसको ना मीठा खाने से खुद तो दिक्कत है, दूसरे खाते उसमें भी दिक्कत है। तू मत खा मेरी, भाई उन्हें अच्छा लगता है यार। क्या हो गया, एक दिन वो खा लिया मीठा तो कोई इशू हो गया क्या? दोनों बहने एक सी हो तुम, एक इसको देखो, तू कहाँ चली? लड़ाई तो हमारी होती रहती है। तू यहीं रुक, तेले चाय बनाई मैंने। अरे हाँ हाँ, रुक। अरे यार नहीं पी, रुक जा, ये जो तेरे खून के आंसू निकले ना अभी निकलेंगे। रुक जा, चाय मेरी वाली पी पहले, रुक रुक जा। नहीं तो पूनम भाग रही, जल्दी ले जा चाय इसकी। दीदी रुक जा, भाग मत। नहीं नहीं, चाय पिएगी तू? ये क्या बदतमीजी है? अरे ये कैसे भाग लेगी, रुकना। गाइस देखो, नीतू को हर चीज से दिक्कत है। मैंने भी इजा के लिए वो करा ट्रेसलेस ऑर्डर, क्योंकि उस दिन उनके पास इनफ थे नहीं तो पेंडिंग थे, खान मार्केट से जा रहे हैं वहाँ पे। तो बता भी इजा क्या कह रही है, वो मंगाते मेरे लिए यम चाओ, क्या बोलते बता, वो चमचमचा कहती है चमचमचा से मंगा रहा है कुछ। मैंने कहा वो मंगा रहा हूँ केक। कह रही अच्छा, कह रही हाँ ठीक है, एक चमचमचा मंगा दे, एक नूडल्स मंगा दे। मैंने कहा चमचमचा क्या होता है? वो उसको कह रही थी सुशी को, कह रही है सुशी मंगा दे कुछ। बट पूनम बहन सही में यार, आज तुमने इस लुक को क्रिएट करके मजा दिला दिया यार, है ना? और बहुत जल्दी क्रिएट हुआ ये लुक। वाह यार पुन, तो इसमें लुक तो जल्दी क्रिएट हुई, इसलिए ना तेरे कुछ करना ही नहीं पड़ा, नेचुरल। पता है हम गेम खेल रहे थे, डरावना ऊपर से बीच में आके अपनी शक्ल दिखा रहा है ऐसे। मैंने गेट खोल के नीचे से ऐसे जा कर, ये कह रही है कौन है? मैंने कहा पुनीत है। ओह
बेटू आपका नहीं है ये डूची? नो नो बेटू नो, कुछ भी ले लेता है यार, अब इसे हटाना बहुत बड़ी बात है भाई। इसको खेलने देता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए लाइफ में। हाँ भाई दोस्ती, देखो आज पूनम को देखो बिना मेकअप के। अबे कमला क्या है ये? मैं मौनजली का। गाइस यहाँ पर चाय बिल्कुल रेडी है, तुम देख सकते हो कलर कैसा आ रहा है। ठीक, तुम्हें इसी कलर की बनानी है। इसी कलर? अगर पिंक कलर की बन गई तो? वैसे और सच में पिंक कलर की चाहती तो मैं जरूर पीती। ले पूनम। ननन जी चाय, कमला हूँ मैं अभी। अबे कम तो करो। क्यों? तुझे मेरे ऊपर, मेरे हाथ पर भरोसा नहीं? मेरे जस्ट चाय पी, मेरे मुंह कच्चा। चली भाई, कच्चा कच्चा तेरा मुंह मैं कर दूं? कटकटा पता नहीं। वेट, तुझे सिर्फ बताना कि कैसी है टेस्ट। तो मेरे जूठा के सब पीता फिरेंगे? अरे तू जल्दी भी, शान पत्ती नहीं, ओनली चाय पत्ती, नो शान पत्ती। मैं चाय काफी टाइम बना रही, लास्ट वाले बनाई थी। लास्ट खुशबू है ना अच्छी। तुमने कुछ डाला ना इसके अंदर? अबे ये गधी, जो लो चॉकलेट डाले तो ये मॉम के लिए बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा अबे मैं मम्मी के लिए सीख रहा हूँ। छींक आ रही है, अगर मैंने छींक दिया तो खुद जिम्मेदार होगी, याद रखियो। जल्दी मेरा नाटक कर रही है। मैं गरम गरम नहीं पीती, तो ठंडी चाय पीती हूँ। जल्दी बस एक सिप ले ले कि कैसी बनी है। ऐसी मत बनाना, अदरक बहुत ज्यादा है और चीनी बहुत ज्यादा। अदरक बहुत ज्यादा है? तू क्या कहती है इसको कि जितना अदरक ज्यादा होगा उतनी चाय की टेस्ट? और दिव्या दीदी कहती है, दिव्या तेरी तो चाय बहुत अच्छी बनाती है। सुन चाय पी है और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। टाइम पे अच्छी नहीं बनाएगी, तो 10% मेरे टाइम पे बना देती है, मुझे अच्छी लगती है। अब मैं मम्मी के लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दोस्त मैं भी नीचे आ रहा हूँ। दूध, पानी, अदरक, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज निकाल कर रख लो बस, ठीक है? हाँ निकाल कर दो, मैं चाय बनाऊंगा अभी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रेडी हो जाओ। क्या को? रेडी क्यों हो जाओ? अब देखो क्या होगा आपके साथ। सुनो चाय बना के लाना आपके लिए। बना लाया? ला रहा हूँ। अच्छा, बनाऊंगा खुद से। पहले जरा पैर दबाना क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है और मम्मी कुछ यूट्यूब की बात कर रही है। मैंने बताया कि यूट्यूब कौन चला है? यूट्यूब को कोई मालिक तो होता होगा, यूट्यूब का है, फेसबुक का जैसे मालिक हो, जैसे वो है क्या नाम उसका, जकर बकर, वो है ऐसी इसका होगा, हर चीज का एक मालिक होता है। वरना फेसबुक ऐसे न चल रहा? ना फेसबुक ऐसे ना चल रहा अपने आप। भाई जो हमारी माए होती है ना वो बहुत प्यारी होती है। ये हमारे घर का भिखारी है। जल्दी इधर इधर। अरे इधर कुछ दिखाऊंगा तुझे। और अधिकारी? अधिकारी अधिकारी तू भिखारी और लाचारी दो अधिकारी। जल्दी जल्दी बहादुर भाई, ये छोटा भाई पागल हो गई है, चोटी बना घूमता पूरा जेबी में, शर्म नहीं है इसको। बहादुर भाई देखे गुस्सा कर दो एक बार इसके बारे में। सब लोग कहते हैं तुम्हारे ब्लॉग में बहादुर भाई गुस्सा ही रहता पूरे टाइम। सब बोले कह रहे पूरे टाइम तुमको धमकी देते रहते हैं। तुम किसके बेस्ट फ्रेंड हो? मेरे और रिक्की के। आज बता रहे आज तो फंस गए बहादुर भाई, यार बताओ दोनों की ज्यादा 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 अभी किसी का ज्यादा ना बताओ। मैं काम नहीं करने दूंगा भाई। हट जाओ हट जाओ। मैंने सुना है इसने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट दिया कुछ? हाँ दिए। तो तुम इसके हो गए हैं? है ना वो है। फोन नहीं दिया था तुम्हें? सबका हो गया मैं। सबका मतलब आपका भी? पूरे इंडिया का। इंडिया का लाओ अभी मैं चाय बनाऊंगा मम्मी के लिए, ठीक है? मैडम जी के लिए मैं चाय बनाऊंगा। जल्दी बताओ यार। हम भी लेंगे, हम व्लॉग से बड़ा कोई काम नहीं दुनिया में। बहादुर भाई देखना एक मिनट, बहादुर भाई सारा दिन वीडियो बनाता है। पहले बहादुर भाई कहते थे सारा दिन वीडियो बनाते हैं कैमरा लेके, ऐसा क्यों बोलते थे? तो काम ही ना था भाई। दूध और पानी के मिला ना, पूरा दूध मत डालो ना। दूध पानी तो बस हम पीते हैं, हम तीनों भाई और कोई नहीं। मैं मुझे इतना भी पानी पड़ता, मुझे भी नहीं। अब भाई ये चाय तू बना रहा है तो बहादुर भाई बना रहे हैं? पहले वो दो अदरक कूटूंगा पहले मैं। देखा सब आता मेरे को दिमाग का इस्तेमाल निकालना दे रहा मेरे को। उल्टा क्यों कर रहा है यार, दूध फट जाएगी पहले इसको। ये बात तो सब बोलते हैं कि बहादुर भाई से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता है ना। तो आज मैं समझा बहादुर भाई क्या अलग करते हैं। बहादुर भाई अदरक बाद में डालता है, मैं वहां पूछ के आया ना, सब बेवकूफ मुझे बता रहे थे कि पहले अदरक कूटो। यही तो टेक्निक है बहादुर भाई का। पहले चीनी डाल दो। चीनी डालो और चाय पत्ती डालो। कितनी चीनी पीती है मम्मी? बहादुर भाई पता है मैं रात को कितना खुशी खुशी सोता हूँ, बताओ क्यों? किस वोट के मुझे बहादुर भाई की चाय मिलेगी? बहादुर भाई दूध में पानी तो ना डालूं। डालो एक चम्मच डालो। हेलो भैया देख अजय मैंने, अजय मैंने क्या किया था, वो दूध बॉइल कर रहे थे, उनसे दूध उबल गया, बहुत सारा नीचे गिर गया, तो वो चुपचाप उसकी भरपाई कर रहे थे पानी डाल के। इतने में मम्मी आ गई, मम्मी ने देख लिया। अब क्या करना है बहादुर भाई बता दो। चाय पत्ती, चाय पत्ती, चाय पत्ती ये लो। और थोड़ा सा डालो, ये लो। अब थोड़ा सा बालूटा लेके आओ। अरे वो तो दूध का पैकेट जैसे करूंगा। अब क्या करना है इसका? अब बस थोड़ा होने दे, घुमाता रहे।
बस चीज हल्की बस 2 मिनट में चाय बनाती है। बस 2 बार उबलेगी ऐसे घुमाते रहे थोड़ा, जब ये बाहर निकल जाए पूरा, फिर वो जो बाहर से गिरा उसे चम्मच से लग लेंगे ना ना, फिर मम्मी को बुलाना वहां तो मैं चुगली कर दूं ना उसको। फिर इसे देखो फॉर्म से अगर ये चाय अच्छी बन गई तो अपने ऊपर नाम लगा लूंगा, और बेकार लग गई तो वीडियो साबुत का लिए। वीडियो तो इसके फोन में ना। वीडियो सबूत नहीं, वीडियो साबुत। सबूत तो छोड़े आप पहले। माधव भाई अपने फोन में बना लो, अपने फोन में बना लो वीडियो सबूत के लिए। बहुत मस्त आदमी यार, मलेशिया में इतना दंगा करके आया। माधव भाई उल्टी चीजें बोल रहा है रे, तो मलेशिया में दंगा करके आए आदमी। बताए माधव भाई को, अभी हो गया छाननी निकालो भैया। माधव भाई को ना और पकने दो। सुन माधव भाई को भैया मलेशिया से डबल सैलरी ऑफर आया था, गए नहीं पर। क्यों पूछ ले, डबल सैलरी ऑफर आया था, क्यों नहीं गए? अरे बहादुर पे हमला कर दिया था कुछ लोगों ने, लूट लिया था इन्हें। बताओ पहले बहादुर निकालो। अरे अभी नहीं पकने दो यार, कलर आ रहा था ब्लैक। बहादुर भाई कह रहे थे कि मैं बहादुर भाई के ना ये है ना खुरंट कुरेता रहता हूँ बार बार, मैं बहादुर भाई के जख्म वो नहीं पकने, वो नहीं होने दे रहा, बदलने नहीं दे रहा, हर बार आने कर दे। तो फ्रेंड्स अभी तुषार का फोन आया था, उसको दिखवा लिया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कुछ दवाई वगैरह दी है, शायद ठीक हो जाएगा, वो चल फिर पाएगा दोबारा से, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। अब क्या करना, ओ यार क्या करना, बाद में ऊपर आ रही है, घुमा दे, उठा के उठा लो ये, एक मतलब एक बार तो बल गई मतलब, लो ठीक है। अबे इस पर चाय तो कुछ बची ना है। हाँ कैसी चाय बनवाइए, मतलब चाय तो उबल गई है तो यार दोस्त डांट पड़वाने का पूरा इंतजाम कर दी। बाद ये बताओ मतलब सारा दिन वीडियो बनाना कोई काम है? और सुन इनके पास इतने फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं फेसबुक पे, कुछ है माधव भाई एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं तुम वही बात वही एटीट्यूड बहुत है ये, पर इतनी कम क्यों बनी है? देखिए वाह की खुशबू देख यार, गाइस सच में बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी यार, देखिए है ना, सीख लो चाय बनाना मेरे से। फिर ज्यादा बोल रहे हो क्या यार, क्या दोस्ती है यार, थोड़ा बात पे बुरा मन जाती है यार, अभी गिर जाती इसी ने, इसी ने वीडियो वीडियो में साबुत है। मैं छान इसने नहीं है पर पियो यार, ऐसे कैसे पियो? ए तू काम बता रहे है, देखिए दे देना दे। बाबूलाल बनना है। हाँ पियो पियो बाबूलाल, बाबू बाबूराम गणपत राव आपते। गिरकर्दन घाट का नाम सुना है? तूने सुना है गिरकर्दन घाट का? सुना है मैंने। हा? वो वही जगह है जहाँ पे लोग पैराशूट लेके घूमते हैं, क्योंकि आज कोई नीचे गिर रहे तो कितने दिन बाद नीचे पहुंचता है वो? मैं 3 दिन बाद। क्यों अंशुमन गहराई इतना ही? अंशुमन नहीं अवार्ड अंशुमन पूछना था। अब ये चाय है या अवार्ड चाय? बताओ एक घूट और मारू पहले। अच्छा अरे एक मैं बता दो, सस्पेंस बना रही हो आप भी यार, सही होती हूँ बिल्कुल सही यार, मतलब दिलासा बताइए क्योंकि मैं वरना नहीं कर पाऊंगा। बढ़िया सही बताइए हो नहीं? सही में कड़क चाय एकदम, जैसे एकदम कड़क चाय दिमाग खोल देती है ना, और पत्ती जल गई पर रिक्की मत असर नहीं पड़ेगा। क्यों दिमाग होना तो चाहिए खुलने के लिए, सारा दिन वीडियो बनाए और कैसे बोल रहे थे बादल पहले कैसे बोले थे एक इतना कुछ कर रहा सारा दिन कैमरा का वीडियो बनाते रहे फिर ज्यादा बोल रहे हो देखो कुछ करते टाइम देख ये चाय के लिए उधारा बैठा रहा है कैसी लगी? अरे पहले भी मैं पानी वाली पीता नहीं हूँ, पानी वाली के हिसाब से अच्छी बनेगी। देख लिया पानी वाला पीता हूँ, सीख लो सीख लो। तो मेरा अगला टारगेट है कि अब मैं पाई को चाय बना के पिलाऊंगा। अब देखो एक दिन मैंने चाय बनाया, एक दिन आप मेरा ब्लॉग। फ्रेंड्स मुझे एक चीज पूछनी है कि एक कहावत है, क्या कहावत है बताओ? उड़ती चिड़िया के पर गिनना। तो मुझे पूछना इस कहावत का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है प्लीज कमेंट में बताना, मतलब क्यों कहा जाता है ये? यूं कहा जाता है मैं बता दूंगा, एकदम तेज तर्रार लोग होते हैं कि एकदम छोटी सी बातें पकड़ लेते हैं। अच्छा कोई कितना भी चलाओ ना चलाने में नहीं आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पीछे ही है, पलट रहा हूँ पलट तो आराम से, यहाँ लगी हुई तो पीछे है बुखार ना। अरे भैया बुखार नहीं है, इसे चेक करना पड़ता है। तो भाई हमने ले लिया इसकी दवाई क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं बाकी तो इनका कुछ हो नहीं सकता, दवाई ही है एक लास्ट चाहिए से, और दवाई देनी है रेगुलर। अब बाकी इसका मतलब ऑपरेशन वगैरह तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो बच्चा है ये, बाकी पता नहीं है ना यार, अब ये बोल तो सकते नहीं, बाकी ये बाकी हम वहाँ से रहेंगे यार चेक करने, क्या दिक्कत है। क्या हुआ पुनीत और तुषार, क्या बोला? हम बोल रहे हैं कि रेस्ट करना है और दवाई देनी है। दवाई देनी है, ठीक हो जाएगा ना? मतलब यार उसको इधर ही ले आते, इधर ही मम्मी भी तो है इसीलिए वो उनको भी लग रहा था, पर वो माँ के से दूर थोड़ी ना रखेंगे उसको, खाना वाने के लिए दे आएंगे। सही बात है, उसको खाने के लिए दे आएंगे। मैं भी चलूंगी, कहाँ पर है? मैं भी चलूंगी, भी देखना। बीटा बीटा कितनी दूर है यहाँ से? अभी चल लो भाई, खत्म करके चल रहे हो बस। क्या चल रहा है गाइस, क्या चल रहा है भैया? आपको याद कर क्या
किसी अच्छी चीज पे तुम याद नहीं कर सकते वैसे मेरे को। ये खाने में तो क्या यार? क्या था ऐसा? खाना खत्म होने पर याद किया। अच्छा खत्म होने पर याद किया। बताओ कैसी बनाई चाय? अच्छी बनाई यार। हाँ और तुम लोग सुनो, बहादुर भाई की चाय बहुत अच्छी, पता क्यों बनती है? वो अदरक बाद में डालते हैं, तुम लोग अदरक पहले डालते हो, वो कह रहे हैं उससे दूध फट जाता है और चाय का टेस्ट खराब हो जाता है। भाई बहादुर भाई की चाय मतलब सही में सबसे अच्छी अभी तक जितने को मैंने पिया, तो वो उनकी टेक्निक से मैंने बनाई और बहुत अच्छी चाय बनी। और इस बहाने आज मैंने कुछ सीखा भी, कुछ ऐसी बेसिक चीजें सबको आनी चाहिए। मैं इतना ज्ञान देने लायक हूँ नहीं क्योंकि मैं कोई जानबूझ के नहीं करा, वो तो मजबूरी में बनानी पड़ गई, बट मेरे को अच्छा लग रहा है कि आना चाहिए। पुनीत को आता है पता है, मतलब पूरा खाना बनाना आता है इसको? ये बहुत काम चोर है। खीरे वगैरह सब छीले मैंने, बट एक अच्छी चीजें बताती हूं। हाँ। अच्छी चीज बताती हूं, वो डॉग अभी सेफ है। हाँ। लोगों ने डॉक्टर को दिया, मैं जा रही हूं उससे देख, उसको देख। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी लखन। तुम सबसे अच्छे पति हो, तुम सबसे अच्छे लड़के हो। भैया मुंह में, भैया मुंह में नहीं, कोई पता नहीं, ब्राउनी भी साथ। एक अच्छा नहीं काट नहीं रही, काट नहीं रही। आ गया ना लगा, मेरे फेस वॉश करे, मत करो बदतमीजी। अभी पता क्या करेगी, मेरा हाथ छूटते ही अभी डसेगी, देख। मैं जानता हूँ इसको। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, नीतू रुक नहीं पाई बिल्कुल, उसको उस पपी को देखना है, वो दूसरी गाड़ी में है, वो और पुनीत, और हम तीनों इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। आपको लग गई, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया उसके ऊपर, रुक जा रुक जा, चढ़ गया था, देना फूड निकालो फूड। अरे 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 अरे, अरे भैया बड़ा गुस्से में है ये तो। नहीं नहीं गुच्छा नहीं करते, गुच्छा नहीं करते, गुच्छा नहीं करते ना, गुच्छा नहीं करते। आप तो गुड बॉय हो, गुड्डू गुड्डू बॉय हो ना, बिस्किट देना। अरे यार इनको कितनी भूख लगी, हेलो इनको भूख बहुत लगी होगी। जब मैंने पहले खिलाया था ना इसे, तब भी खा लिया था इसने। अच्छा लेटे हुए भी आराम से आराम। हाँ इनको उधर ही ले चले, इसको ले चलो खाते, मगर यार गबरू वगैरह मार देंगे इसको। इनको वहाँ नहीं छोड़ते, वो सामने जो उनकी माँ है भाई एमसी। हाँ हाँ माँ भी अभी देखो ये है। ये आपके लिए छोटा सा बस ऐसे ही। थैंक यू आरुम। ओके गाइस आज का ब्यूटीफुल दिन यहीं पर ख़त्म होता है। वैसे काफ़ी अच्छा लगा आज, रिलैक्स रहा दिन, और मैं पढ़ रही हूँ अपनी बुक। वैसे तो मैं रीडिंग डेली ही करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है रीड करके सोना, अपने फोन को साइड रख के सोना। आपको कैसे लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मीन इस ब्लॉग को लाइक कर देना। बाय।